चलिए आज हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्लिप। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ फंक्शंस को भी देखे थे हम लोग, और साथ ही साथ एपिथेलियम टिश्यू का डिटेल भी हम लोगों ने कवर कर रखा है। और आज जो हम लोग को देखना है वो है कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू जो हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्लिप। जो कि एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एंड द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये चार तरह के जो एपिथेलियम है, और एपिथेलियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एपिथेलियम टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जो रेस्ट करते हैं अपॉन द कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ इस एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, और एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस सो दैट द ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज कैन पेनिट्रेट इट। सो हाउ दिस सेल द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम गेट न्यूट्रिशन, तो यह जो न्यूट्रिशन है वो लेने का काम करता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तक तो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं और उस कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में दोनों के ही सिक्रीशन से बनता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचते हैं टू द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम। तो ये सब सारी बेसिक बातें हम लोग सीख चुके हैं अपने पिछले यानी लेक्चर 11 में हम लोग इसका डिटेल्स देखे हैं, और आज जो हम लोग को देखना है वो है टाइप्स, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पे। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है यह मोर इन विड्थ होता है, इसको आप याद रखोगे बेटा कि यह कैसा होता है, तो मोर इन विड्थ, मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ, ये याद रखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ इसके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, समथिंग लाइक दिस, यूनिलेयर तो होते ही है और ये कुछ इस तरह से फ्लैट होते हैं। और तो ये हमने लिखा है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में कि ये कैसे होते हैं, तो ये यूनिलेयर होते हैं, ये अच्छे से आपको याद रखना होगा, सिंगल लेयर होते हैं ये, और इनके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और फ्लैटेड और राउंडेड न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं। इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि जिस फर्श पे आप चल रहे हो वो फ्लैट है ना, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। इसको हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलेंगे, ये तो फ्लैट है, दैट्स व्हाई दिस इज द पेवमेंट एपिथेलियम एंड दिस इज टेसिलेटेड एपिथेलियम। व्हाई दिस इज टेसिलेटेड एपिथेलियम, क्योंकि यह जो है ये कैसा अपीयरेंस देता है, अगर मैं इसके नीचे भी इस तरह का सपोज ऐसे इस तरह का डायग्राम बनाओ, फिर ऐसे ऐसे इस तरह से बनाओ, तो ये कैसा अपीयरेंस दे रहा है, ये वेवी दे रहा है ना, तो वेवी मतलब कहीं से भी कोई डेफिनेट पैटर्न के लेंगे, तो दिस स्क्वामस एपिथेलियम आपको याद रखना है कि ये वेवी अपीयरेंस देता है एंड दिस इज सच टाइप ऑफ एपिथेलियम व्हिच कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम। आप अपने नोटबुक में इसको वेवी यहां डाल दीजिएगा, वेवी अपीयरेंस, तो वे भी अपीयरेंस देता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम। और पेवमेंट एपिथेलियम तो ये है ही फ्लैट है ये। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो है कि ये एसोसिएटेड होते हैं फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। तो फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के लिए किसी भी चीज का कैसा होना जरूरी है, बहुत थिन, तभी तो उससे चीजें क्या हो पाएंगी, फिल्टर होके आ पाएंगी, या सब्सटेंसेस जो है या कोई गैसेस वगैरह जो है वो डिफ्यूज करके फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा सकेंगे। तो मेनली जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है बेटा, इनका फंक्शन जो है वो कैसा है कि फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन के लिए ये स्क्वामस एपिथेलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज, और यही कारण है कि ये है
प्रेजेंट किस में? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जो है वो यूनिट होता है लंग्स का, यानी आप अपने नोटबुक में इसको डालेंगे कि एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो आपको ये तो पता है कि लंग्स में ही गैसेस एक्सचेंज होता है, और गैसेस एक्सचेंज होने के लिए एक ये भी कंडीशन है कि जिस सरफेस से वो हो रहा है वो कैसा हो, थिन हो। तो इसी वजह से गैसेस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, द रीजन इज एल्वियोलाई और इट इज मेड अप ऑफ दिस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा जो है हैनलेस लोब, ये जो हैनलेस लोब होते हैं ये अभी आप पढ़ ले, फिर जब हम लोग किडनी पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि हैनलेस लोब जो है यह पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन में हैनलेस लोब भी जो है वो बना होता है किसका, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। उसमें हम लोग देखेंगे बोमिस कैप्सूल भी होता है नेफ्रॉन का पार्ट। तो अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि बोमिस कैप्सूल एंड हैनलेस लोब इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये पार्ट क्या है? नेफ्रॉन का। तो अगर मैं डायग्राम अभी बताऊंगी तो बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो डिटेल्स में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगी। तो एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और नेफ्रॉन का पार्ट है बोमिस कैप्सूल और हैनलेस लोब। और नेफ्रॉन के बारे में फिर आपको लिख देना है कि इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यूनिलेयर सेल्स आर मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ, और इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो राउंडेड और फ्लैटेड हो सकता है, इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। और ड्यू टू इट्स वेरी अपीयरेंस इट इज कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम, एंड विच एपिथेलियम इज एसोसिएटेड विद फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, योर आंसर विल बी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात ये कि अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा कि इसके सेल्स जो होंगे वो यानी कि सिमिलर इन लेंथ एंड सिमिलर इन विड्थ। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, सिमिलर इन लेंथ एंड सिमिलर इन विड्थ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये एपिथेलियम कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्यूब लाइक दिखते हैं। और ये क्यूब लाइक क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये सेम इन विड्थ एंड सेम इन लेंथ है, जबकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल्स थे वो मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ। तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है यह एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ये जहां भी रहे ये वहां एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिक्रीशन ये करते हैं, और एक्सक्रीशन यानी एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन और एक्सक्रीशन का जो काम होता है मेनली वो किसका है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि ये फॉर्म करते हैं गैमेट्स। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो फॉर्म करते हैं किसको, गैमेट्स को। सो ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ये याद रखेंगे आप। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गैमेट्स कौन सा एपिथेलियम बनाएगा, और गैमेट्स का मतलब स्पर्म्स एंड ओवम, स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी एंड ओवम फ्रॉम द फीमेल बॉडी, एंड ये यूनिट होते हैं रिप्रोडक्शन के दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन एंड सो द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड। तो खैर, तो ये गैमेट्स जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये गैमेट्स इसको बनाने का काम जो है ये किससे बनता है, किस तरह के एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दैट्स व्हाई दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम और जर्माइनल एपिथेलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको यहां बताऊं कि जो ग्लैंड्स में यानी जो कि सिक्रीशन के लिए है, तो ग्लैंड्स जो है वो कैसा हो गया है, ये
यानी कि वो एपिथेलियम ही है जो मैम कैसा हो गया है ग्लैंडुलर एंड दैट्स व्हाई इट इज परफॉर्मिंग दिस सिक्रीशन। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स का फंक्शन हम लोगों ने देखा सिक्रीशन, दैट्स व्हाई ग्लैंड्स में जो पाए जाते हैं वो क्या होंगे क्यूबॉइडल सेल्स ही होंगे क्योंकि ग्लैंड्स तो सिक्रीशन का काम करता है वेदर इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हम डिटेल्स में देखेंगे कि वो एंजाइम्स और अदर सिक्रीशंस करते हैं। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसको मैं यहां प्रॉक्सिमल ऐसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट स्टैंड्स फॉर एंड डीसीटी तो डिस्टल और ये कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल। तो पीसीटी और डीसीटी भी पार्ट है किसके नेफ्रॉन के। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि पीसीटी और डीसीटी जो है वो पार्ट है किसके नेफ्रॉन के। तो ये नेफ्रॉन यानी कि ये कुछ इस तरह से ये डबल वॉल मेम्ब्रेनस ये बोनस कैप्सूल और ये हाइली क्वाइल दिस पार्ट इज पीसीटी एंड दिस इज अगेन क्वाइल दिस इज डीसीटी कलेक्टिंग डार्क एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये देखो बेटा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं बोमेंस कैप्सूल दिस इज बोमेंस कैप्सूल दिस द पार्ट हाईली क्वाइल पार्ट नियर टू दिस बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड पीसीटी अवे फ्रॉम इट इज द डीसीटी एंड ये जो तो ये डिसेंडिंग लिंब और ये असेंडिंग लिंब और ये दोनों हो गया हैंडलेस लूप। तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये देखो पीसीटी डीसीटी हैंडलेस लूप ये सब पार्ट है किसके नेफ्रॉन के और एक नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज द डिसेंडिंग एंड दिस इज द असेंडिंग लिंब एंड दिस इज टुगेदर हैंडलेस लूप दिस इज कलेक्टिंग डक्ट दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये है स्ट्रक्चर किसका नेफ्रॉन का। तो खैर पीसीटी और डीसीटी का आपको रफली थोड़ा आइडिया देने के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया। और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो भी बने होते हैं किसके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो पैंक्रिया सपोज कि दिस इज द सेंट्रल दिस इज द पैंक्रिया और इसके जो डक्ट है ये बना हुआ है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। एक इनर सेल्स ऑफ पैंक्रियाज एक इनर सेल्स ऑफ पैंक्रियाज का मतलब क्या हुआ ये सुन लीजिए और नोट्स में भी लिख लीजिएगा कि पैंक्रियाज जो है अपना मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी हो और एंडोक्राइन पार्ट भी हो। तो अपने एंडोक्राइन पार्ट से यह हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं और जो एकिनल होते हैं एकिनल सेल्स आप इसको लिखेंगे वो एकिनल सेल्स जो होते हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट है ठीक है। तो एकिनी ऑफ पैंक्रियाज जो होंगे वो एक्सोक्राइन पार्ट है ना तो एक्सोक्राइन पार्ट होने की वजह से यह पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस तो योर आंसर विल बी एक्सोक्राइन पार्ट और उस एक्सोक्राइन पार्ट में भी कौन से एकिनी और एकिनल सेल्स आर देयर दे प्रिपेयर दिस पैंक्रियाटिक जूस एंड दिस पैंक्रियाटिक जूस प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड ये याद रखना है। तो और साथ ही साथ देखो बेटा इसमें आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिंपल पॉलीगॉन एपिथेलियम ये तो नाम ही बता रहा है कि इसके सेल्स जो होंगे वो कैसे दिखेंगे तो ये पिलर लाइक दिखेंगे समथिंग लाइक दिस। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये कैसे दिखेंगे इस पिलर की तरह दिखेंगे और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और अगर इस पे सिलिया होगा तो ये सिलिएटेड पॉलीगॉन एपिथेलियम हो जाएंगे सिलिया
सीलिया जो कि प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म है ना, फिर साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन ही क्या कहलाता है, सीलिया। अगर इसके अंदर सीलिया होगा तो मैं जस्ट फॉर आपके आइडिया के लिए, तो वो हो जाएगा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और अगर नहीं है तो नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो फिलहाल आप ये समझे कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम मींस कि सेल्स जो है वो कैसे है, पिलर लाइक है, यानी मोर इन लेंथ एंड लेस इन विड्थ। तो ये अपोजिट है किसके, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के, वो कैसा था, मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ, बट हियर सेल्स आर मोर इन लेंथ एंड लेस इन विड्थ। ये क्या करते हैं, तो कॉलमनार एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कॉलमनार एपिथेलियम, तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का मतलब क्या हुआ, तो गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और इंटेस्टिनल बता ही रहा है इंटेस्टाइन, तो उस स्टमक से इंटेस्टाइन के पार्ट तक जो रास्ते हैं उसके वाल जो है वो लाइंड है, वो कवर्ड है किसके द्वारा, कॉलमनार एपिथेलियम के द्वारा। तो तभी तो ये भी सिक्रीशन करने का काम कर रहा है, वहां से फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन और पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो आपके गैस्ट्रो यानी कि आपके स्टमक में होता है, और वो वॉल लाइन में किससे, कॉलमनार एपिथेलियम से। तो ये याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, तो एब्जॉर्प्शन जो है मेनली किधर से होता है, इंटेस्टिनल पार्ट से, और कंप्लीट डाइजेशन भी होता है आपके इंटेस्टाइन में, और गैस्ट्रिक स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही फूड का डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन, और वो भी मेनली किसका, प्रोटीन का। तो ये याद रखेंगे हम लोग। इसमें यूट्रस का भी जो वॉल है वो भी लाइन है किससे, कॉलमनार एपिथेलियम से। गॉल ब्लैडर जो कि बाइल जूस का स्टोरेज करता है वो भी बना हुआ है, वो भी लाइन है किससे, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से। तो गॉल ब्लैडर मेनली इट स्टोर्स बाइल जूस, स्टोर्स बाइल जूस। तो ये बाइल जूस जो है वो बने कहां, लीवर में, लीवर इनको तैयार करता है और गॉल ब्लैडर को भेजता है जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं, और बाइल जूस भी हेल्प करता है डाइजेशन में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वो कौन सा जूस है जो विदाउट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन, योर आंसर विल बी बाइल जूस, बिकॉज दिस बाइल जूस डू नॉट हैव एनी digestive enzymes, in spite of that it plays a very important role in the digestion of food, mainly of the fats. तो ये याद रखेंगे हम लोग। साथ ही साथ जो अपना next और last है pseudo stratified epithelium, हमने बताया था कि जो मल्टी लेयर्ड अगर कंडीशन हो गया तो ये स्ट्रेटिफाइड कहलाता है, यानी कि सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर यूनिलेयर्ड हो गया, और कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर्ड यानी स्ट्रेटिफाइड, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से ये मल्टी लेयर्ड। तो ये जो है अपना ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये फॉल्सली मल्टी लेयर्ड है, क्यों ऐसा, इसलिए कि इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, शॉर्ट सेल्स और लॉन्ग सेल्स। मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ इस तरह से है बेटा, तो ये मान लो कि ये लॉन्ग सेल है यहाँ पे, ये लॉन्ग सेल, अगेन हियर इज द लॉन्ग सेल, और इस बीच बीच में यहाँ पे ये स्मॉल सेल है, फिर ये लॉन्ग सेल, फिर ये बीच बीच में इनके स्मॉल सेल, फिर ये लॉन्ग सेल। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग सेल स्मॉल सेल, और इस स्मॉल सेल में सेंटर में ये न्यूक्लियस है, लॉन्ग सेल में ये बेस पे है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे लॉन्ग सेल तो यहाँ होगा, फिर स्मॉल सेल्स में यहाँ सेंटर में होगा। तो ये डिफरेंसेस, लेवल डिफरेंसेस की वजह से ये फॉल्स अपीयरेंस देखते हैं कि हम मल्टी लेयर्ड है, बट वास्तव में ये मल्टी लेयर्ड कंडीशन नहीं है। That's why this is called pseudo. Pseudo मतलब
false or a stratified ka matlab multi layered, but it is not multi layered, it is giving false appearance due to two different types of cells arrangement. One is short cell and another one is long cells, and due to the different arrangement of the nucleus, so short cell mein it is in the center or long cells mein it is in the bottom, that's why it is giving false appearance ki hum kaise hain multi layered hain. So this is pseudo stratified epithelium. तो ये पाए कहाँ जाते हैं? In the retina of eye. यही वो retina of eye है जो किसी भी image की formation के लिए responsible होता है. फिर अपने internal ear में और covering of taste bud of tongue. तो भले ही वो pseudo stratified epithelium से बना है, लेकिन हमको झूठे झूठे चीजों को नहीं देखना है, झूठी बातें नहीं सुननी है और कोई गलत टेस्ट भी नहीं बताना. इसको ऐसे आप याद रखने के लिए स्ट्रिक को याद रखेंगे तो pseudo stratified epithelium. तो falsely multilayered epithelium is pseudo stratified epithelium. The epithelium associated with filtration and diffusion is the simplest form of epithelium. Which epithelium is called germinal epithelium, cuboidal epithelium? Which epithelium forms gametes, that is the simple cuboidal epithelium? So which epithelium cells are more in length and less in width, that is the simple columnar epithelium, and it is associated in their absorption and secretion. So these are the four types of epithelium on the basis of cell shape. तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये आप देख रहे हैं कि ये मोर इन विड्थ और लेस इन लेंथ है. तो ये हम लोग याद रखेंगे किसमें? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में. तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो कि स्क्वायर सेल है, जो क्यूब लाइक अपीयरेंस दे रहा है वो क्यूबॉइडल है, जो पिलर लाइक दे रहा है वो है कॉलमनार एपिथेलियम, और जो फॉल्स मल्टीलेयर्ड अपीयरेंस दे रहा है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ये याद रखेंगे हम लोग. तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ सेल सेल. तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं और कोई डाउट हो तो आप बुक में डालें. Thank you so much.